सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि जियो फोन में ईमेल आईडी कैसे बनाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके और जियो फोन में ईमेल आईडी बनाना सीख सकें। तो सिंपली आपको चले आना है अपने जियो फोन के एप्स के अंदर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि आपको चले आना है फ्रेंड्स। तो एप्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो कि आपको नीचे स्कॉल करना है फ्रेंड्स और आपको चले जाना है अपने सेटिंग एप्स के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने सेटिंग एप्स के अंदर आपको चले जाना है फ्रेंड्स। तो सेटिंग एप्स के अंदर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि बीच के राइट वाले बटन को आपको दबाना है फ्रेंड्स और यहाँ पे स्कॉल करते हुए डिवाइस के ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाना है। तो डिवाइस के ऑप्शन पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर से जैसे ही अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो हमारा जो कि ऑलरेडी अप टू डेट है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर से सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। तो अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से आपको बैक चले आना है फ्रेंड्स। तो बैक आने के बाद तो फिर से आपको अपने ऐप्स के अंदर चले जाना है। तो ऐप्स के अंदर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है फ्रेंड्स और नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे चले जाना है अपने ब्राउजर ऐप्स के अंदर। तो अपने फोन को अपडेट जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स ताकि जो है कि आपका जियो फोन अच्छे तरीके से भर कर सके और ईमेल आईडी बनाना सीख सके। यहाँ पर सिंपली आपको गूगल का ऑप्शन पे आपको चले आना है फ्रेंड्स। तो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है फ्रेंड्स और सबसे नीचे यहाँ पर जो कि आपको साइन इन का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो कि साइन इन के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर जो कि साइन इन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो इस टैप से जो है कि सर्चिंग लेगा और इस टैप का जो है कि आपको ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कि आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर जो कि आपको रेड के ऊपर वाले बटन को दबा देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर इस टैप से ऑप्शन आपको आएगा तो रेड के ऊपर वाले बटन को दबा देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि तीर का आइकन आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे फॉर माई पर्सनल यूज का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर जो कि आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे हम अपना नाम डाल देते हैं PRABHAKAR। यहाँ पर जो कि आपको फर्स्ट नेम डाल देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि आपको लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर जो कि आपको डन कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। तो फिर से यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जो कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर से आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है कि हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर जो कि आपको अपने अनुसार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डे डालना है फ्रेंड्स और यहाँ पे ईयर्स डालना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम ईयर्स डाल देते हैं कुछ भी, यहाँ पर जो कि यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पर जो कि अपने अनुसार यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो कि डालने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर के ऑप्शन पे आना है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल डालना है फ्रेंड्स, या अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे फीमेल डालना है। तो हम तो लड़का हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो कि मेल डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कि जीमेल आईडी बनाने के लिए बोलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो कि अपने अनुसार यहाँ पे आपको लिख देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे या तो आप जो है कि अपना नंबर यहाँ पर से आपको डाल देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे चार अंक का यहाँ पे कुछ भी आपको नंबर डाल देना है और यहाँ पर से आपको अपना नाम लिख लेना है, या तो अपना नाम या फिर किसी का नाम आपको लिख लेना है फ्रेंड्स, वही आपका जीमेल आईडी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कि जैसे कि यहाँ पे हम नाम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देते हैं फ्रेंड्स। तो टाइप करने के बाद यहाँ पर जो कि नीचे स्क्रॉल कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपका ईमेल आईडी बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी जो है कि हमको ईमेल आईडी नहीं बनाना है फ्रेंड्स, आपको जो है कि सिखाने के लिए हम बता रहे थे फ्रेंड्स। तो इस प्रोसेस से जो है कि आप जियो फोन में ईमेल आईडी बना सकते हैं।